हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो इस समय मॉर्निंग के बज रहे हैं 9 और यहाँ मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। चाय वगैरह सबने पी लिया है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ लौकी का कोफ्ता। सो फ्रेंड्स, तो इससे पहले मैं अपना ब्लॉग शुरू करूँ तो सबसे पहले मैं आप लोगों से अपनी खुशी को जाहिर करने वाली हूँ। आप लोग सोचे हो रहे होंगे कौन सी खुशखबरी मैं आपको सुना रही हूँ। तो ये खुशखबरी आप सबको भी पता होगा, ये सबके लिए है कि सरकार ने इतना बड़ा फैसला किया है, बहुत ही अच्छा फैसला किया है कि उन्होंने पबजी समेत उन्होंने 118 चीनी ऐप को अब बैन कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है। तो इस बारे में हम और बातें करेंगे, वो हम आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा और मेरा वीडियो पूरा वॉच करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। तो लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए पहले लौकी को क्रश करना होता है, तो यहाँ मैं लौकी को क्रश कर रही हूँ। अच्छे से जो लौकी है क्रश कर लिया, उसके जो जूस होता है वो मैंने निचोड़ के रख लिया है ताकि जब मैं इसमें बेसन ऐड करूँ तो हमारा जो पकौड़ी के लिए मैं मटेरियल तैयार करने वाली हूँ वो गीला ना हो ज़्यादा। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ, तो बेसन ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैं इसको मिक्स करके देख रही हूँ। लेकिन मुझे बेसन कम लग रहा था तो मैं इसमें अभी और बेसन ऐड करूँगी। तो यहाँ मैं 2 चम्मच और बेसन ऐड करूँगी और अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा मसाले भी ऐड करेंगे। तो मसाले में हम 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे मसालों को ऐड कर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। तो मैं नमक डालना भूल गई थी तो यहाँ मैं नमक डाली हूँ और अब मैं इस मटेरियल को स्पून की सहायता से अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी। तो अब पकौड़ी बनाने के लिए बेसन और लौकी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं फ्राई और बनाती हैं इसकी पकौड़ियाँ। तो ये मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। मस्टर्ड ऑयल में ही मैं पकौड़ियाँ बनाऊँगी क्योंकि उससे क्या होता है ना, पकौड़ियों का जो स्वाद होता है बहुत ही टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं इसमें हमेशा मस्टर्ड ऑयल में ही इसकी पकौड़ियाँ बनाती हूँ कोफ्ते के लिए। सबसे बड़ी बात, बहुत ही सॉफ्ट पकौड़ियाँ बन के निकलती हैं। तो यहाँ मैं बहुत ही छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना रही हूँ क्योंकि मेरी आदत है जब भी मैं कोफ्ते बनाती हूँ तो पकौड़ियाँ जो हैं बहुत बड़ी बड़ी बन जाती हैं। तो बल्कि मम्मी हमेशा मुझसे कहती है बेटा छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाया करो। तो इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ कि छोटी छोटी पकौड़ियाँ बन सके मुझसे। तो यहाँ मैंने गैस को स्लो में कर दिया है और अच्छी तरीके से मैं यहाँ पकौड़ियों को तल रही हूँ। तो सेम इसी तरीके से मैं सारी पकौड़ियों को निकाल लूँगी तल के। तो अब मैं शुरू करने वाली हूँ कोफ्ता बनाना। तो यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल फ्राई में ऐड करा है और उसके बाद मैंने थोड़ी सी मैंने इसमें हींग डाला हुआ है और मैं मिक्सी से निकाल रही हूँ प्याज लहसुन और सूखी लाल मिर्च को मैंने पीसा हुआ था तो वो मैं निकाल रही हूँ। और हींग के बाद अब इसमें जाएगा जीरा और जीरा जब अच्छे तरीके से तड़क जाए तब इसमें जाएगा तेज़पत्ता और उसके बाद मैं इसमें जब अच्छी तरीके से पक जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज जो मैंने बना के तैयार किया है। ये देखिए मैंने पीस के इसको तैयार किया है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और उसको अच्छे तरीके से मैं भूनूंगी जब तक हमारा जो प्याज है वो ब्राउन ना हो जाए। फिर मेरे यहाँ कम से कम 3-4 लौकियाँ रखी हुई थी, डैडी लेके आए थे। तो मैंने सोचा कि मैं सादी लौकी की सब्ज़ी बनाऊँ, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कोफ्ता बना लिया जाए। तो बस मैंने सोचा कि चलो आज मैं कोफ्ते ही बना लेती हूँ और इसकी जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं किस तरीके से लौकी के कोफ्ते बनाती हूँ। तो प्याज अच्छी तरीके से पक चुका है और हम यहाँ डालेंगे सारे मसाले। तो हम थोड़ा थोड़ा करके सारे मसालों को इसमें ऐड करेंगे। तो जो आप रेगुलर सब्ज़ी में मसाले ऐड करते हो आप वही मसाले इसमें ऐड करना है आपको। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करना है। उसके बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से हमको चलाना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी और जो जब हम पकौड़ियाँ इसमें ऐड करेंगे कोफ्ते
जो हमने बनाए हैं, तो जो हमारा कोफ्ता है बहुत गाढ़ा हो जाएगा, तो इसके लिए हम पानी थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करेंगे। तो बस अब हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। जब इसमें उबाल आने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे कोफ्ते जो हमने बना के रखे हैं। तो जब तक हमारी ये कोफ्ते तैयार होते हैं तब तक मैं यहाँ बना रही हूँ बेसन की सादी पकौड़ियाँ। तो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया है, सिर्फ नमक और पानी और थोड़ा सा मैंने खाने वाला सोडा उसमें ऐड किया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सादी पकौड़ियाँ बना क्यों रही हूँ, क्योंकि मैं इसका कुछ बनाने वाली हूँ। तो इसको बनाने के लिए मैंने नाइट में मैंने दही जमा के रखा था, तो बस मैं इन्हीं पकौड़ियों को उसमें दही में मैं डुबो दूँगी और मैं बनाऊँगी दही पकौड़े। तो अब मैं यहाँ ग्रेवी को चेक करूँगी कि हमारी जो ग्रेवी है में उबाल आया कि नहीं। तो ये देखिए हमारे ग्रेवी में उबाल आ चुका है और इसमें मैंने पकौड़ियाँ भी ऐड कर दी हैं। तो बस ये अच्छे तरीके से पक गया है और हमारा जो कोफ्ते की रेसिपी है वो भी तैयार है। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ दही पकौड़े बनाने के लिए मैं यहाँ दही को अच्छे तरीके से करूँगी मिक्स। तो मैंने दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया था और यहाँ मैंने जो बेसन के सादे सादे पकौड़े बनाए हुए हैं बस इसमें मुझे ऐड करना है। तो यहाँ देखिए सारे पकौड़ों को मैं इसमें ऐड कर गई। जो इसमें मैंने सोडा ऐड किया था ना, तो मेरी जो पकौड़े हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हुए हैं और इसमें बहुत जल्दी गल गया था दही में। तो बस अच्छी तरीके से मुझे उसमें डुबो देना है स्पून से, उसके बाद इसको ढक के रख देना है और उसके बाद बस इसमें मुझे छौंका लगाना है जीरा और सूखी लाल मिर्च का। तो जब तक पकौड़े उसमें अच्छे तरीके से मिल ना जाए तब तक हम इसको ढक के रख देंगे। ज़्यादा नहीं रखना है, मुझे आधे घंटे तक ही इसको रखना है। और ये दही पकौड़े मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत खाती थी जब शुरू में आई थी तो मम्मी बनाती थी। तो आज मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसे बनाया जाए, इसकी रेसिपी है आप लोगों के साथ शेयर करी जाए, शायद आई होप आप सबको पसंद आए। सो फ्रेंड्स, तो अब मैं जा रही हूँ दही पकौड़े में लगाने तड़का। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया, उसके बाद मैंने इसमें डाला है जीरा और जीरा जब अच्छे से तड़क जाएगा तब मैं इसमें डालूँगी सूखी लाल मिर्च। तो यहाँ मैंने सूखी लाल मिर्च को भी ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो मैंने दही पकौड़े बनाए हैं। और सीरियसली गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। सो फ्रेंड्स, तो मेरा जो लंच है वो बन के रेडी हो गया है, आइए आप सब भी कर लीजिए। और ये रहे मेरे लौकी के कोफ्ते, ये रोटी, ये राइस और ये साइड में मैंने दही पकौड़े बनाए थे ना उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा काला नमक। और यहाँ बन गया है मेरा जो लंच है, मतलब तैयार हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ लंच करने, आइए आप भी कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, तो हाँ मैं आप लोग को अभी मैं बताती हूँ। यहाँ इलेक्ट्रिशियन को बुलाया गया था, तो यहाँ एसी जो है वो तो ठीक है बट कुछ उसमें वो मतलब गड्ढा करने वाले हैं छत पे और जो हमारे एसी का पाइप है उसको वहाँ से खिसका के और कहीं और मतलब उसको लगाने वाले हैं, तो कुछ दिक्कत कर रहा था। तो यही मतलब उन लोग को चेंज करना था तो इसलिए वो लोग आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूं, तो मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ थोड़ा सी बातें करूंगी एक बार, मतलब आप लोग से बातें करूं। बट इतनी आवाज़ें आ रही थी ना जब वो लोग छत तोड़ रहे थे, हम लोग वहीं पर थे, मौजूद थे। मैंने वीडियो तब नहीं बनाया जब उन्होंने छत तोड़ा था, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में आप सबसे बातें कर लूँगी। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे भैया कुछ मतलब जो इलेक्ट्रिशियन वाले भैया हैं वहाँ कुछ देख रहे हैं पाइप को वहाँ से खिसकाने के लिए। सो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने वाली हूँ चाय और सबके लिए बना रही हूँ। जो इलेक्ट्रिशियन वाले भैया जी आए थे उन सबके लिए बना रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो एक साथ सबके लिए चाय बना देती हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, मैं सबको चाय बना के दे दूँ। सो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं मेरे रूम की क्या हालत हो गई है और मैं अब जा रही हूँ यहाँ की सफाई करने। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ तोड़ा गया है और बहुत सारा कचरा यहाँ पे गिरा है, मिट्टी और छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं बहुत सारे गिरे पड़े हैं यहाँ पे देखिए। और मैं बस जा रही हूँ यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे बिजली का बोर्ड है उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी गिरी है, तो मैं डर भी रही थी कहीं मुझे करंट ना लग जाए। तो वही मम्मी से मैं कह रही थी, मम्मी बहुत डर लग रहा है, लेकिन बहुत ही हल्के हाथों से मैं वहाँ पे निकाल रही हूँ वहाँ से मिट्टी, क्योंकि बहुत सारे वायर थे वहाँ पे और लग रहा था कि कहीं करंट मार दिया ना तो फिर मेरी तो मैं तो गई एकदम से समझो। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पे क्लीन किया अच्छी तरीके से।
झाड़ू मैंने लगा लिया था, अब मैं लगा रही हूँ पोछा। पोछा मैं अच्छी तरीके से लगा रही हूँ। मैंने इसमें फिनाइल वगैरह सब इसमें ऐड कर लिया है, क्योंकि बिना फिनाइल के पोछा लगाऊंगी ना तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं साफ़ सफाई रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं रूम बहुत अच्छी तरीके से हो गया है क्लीन। मैंने दो बार पोछा लगाया और घिस घिस के पोछा लगाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। अगर ना लगाती ना फिर भी पैर में ज़रूर चुभती, और सबसे ना छोटे छोटे कंकड़ थे वो पैर में बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है, रूम को कर दिया है क्लीन। सो फ्रेंड्स, तो मैंने रूम को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है, और अब मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए, क्योंकि मैं एकदम मिट्टी मिट्टी हो गई हूँ। तो मैंने सोचा कि एक बार आप सबको रूम दिखा दूँ कि मैंने क्लीन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, तो अभी जस्ट मैं शावर लेके आई हूँ, और आपने देखा मैंने पूरा रूम क्लीन कर दिया बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। और पता है इसलिए मुझे बिल्कुल भी साफ़ सफाई करने नहीं दे रही थी, कह रही थी लाओ मैं ही करती हूँ। रूम क्लीन किया और मुझे क्लीन करते करते 1 घंटे हो गए, और सारे मैंने पूरे घर में पोंछा लगाया, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी आ गई थी। मैंने अभी लंच नहीं किया है, तो 10:30 बज रहे हैं अभी, और बस थोड़ी देर में आप लोगों से बात कर लूँ और वीडियो का एंड कर दूँ, फिर मैं जाती हूँ और लंच करती हूँ। सो फ्रेंड्स, तो कुछ आप लोगों से बातें भी करनी थी, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो भारत सरकार हैं उन्होंने कई चीनी ऐप को बैन लगा दिया है। बहुत ही अच्छी खबर है ये। फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने और भी चीनी ऐप पे बैन लगाया था, मतलब पूरे चीनी ऐप को बंद कर दिया था, और इस बार फिर से हमारे भारत सरकार ने 118 चीनी ऐप पे बैन लगा दिया है, उसमें पबजी भी शामिल है। और इस खबर से तो कई लोग बहुत ही ज़्यादा मायूस हैं, तो उसमें पबजी मोबाइल का भी नाम है, और पबजी मोबाइल कितना पॉपुलर ऐप था आप सब जानते हैं। और इस न्यूज़ को सुनने के बाद जो गेम लवर थे और गेम इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। यूट्यूबर्स पबजी की लाइव स्ट्रीमिंग करके काफ़ी अच्छा इनकम कर रहे थे, और ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सैड न्यूज़ है। लेकिन जहाँ तक हमारे भारत सरकार की बात, हमारी इंडिया की बात है, उस नज़रिए से देखा जाए तो सरकार ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैसला किया है। मुझे तो खुशी है कि पबजी बंद कर दिया गया है, क्योंकि बच्चे दिन भर मोबाइल पे लगे रहते थे, उनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा था। उनके पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि और बस दिन भर पबजी पबजी पबजी, तो मेरे ख्याल से जितने भी उन बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी इस बात को सुन के, इस न्यूज़ को सुन के। हम लोग तो बहुत खुश हैं, क्योंकि इससे जो बच्चों का भविष्य है बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा वैसे भी। और ये गेम वगैरह तो बिल्कुल बच्चों को खेलना ही नहीं चाहिए। तो आप लोग बताइए कि आप लोग के घर में कौन कौन पबजी के दीवाने हैं, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अभी मैंने आपसे बातें की, क्योंकि मॉर्निंग से लेके मैं आपसे फेस टू फेस नहीं मिली थी, इसलिए क्योंकि मेरा काम भी चल रहा था। आप सब जानते हो मैंने अभी वॉइस ओवर में आपको बताया भी। अपने नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।